वजह यह है कि कभी कभी हम गलत इसलिए होते हैं कि हमें गलत होने का शौक है और ये ध्यान रखना है कि हमें विकासशील देश है विकासशील देश में किसी ब्यूरोक्रेटिक अथॉरिटी के पास इतनी पावर होती है यदि वो व्यक्ति उसका सदुपयोग करेगा तो शायद कई हजार कई लाख व्यक्तियों को मुख्य धारा में ले आएगा इसलिए बहुत बुद्धिमान व्यक्ति आई बने इससे ज्यादा जरूरी है कि बहुत नैतिक व्यक्ति आईएस बने हमें यह समझना चाहिए कि ये पेपर आपके पाठ्यक्रम में क्यों है यूपीएससी आपसे क्या अपेक्षा करती है ये पेपर इसलिए यूपीएससी ने लगाया कि लगभग 2000 से 2010 के बीच में यूपीएससी के पास बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स आई मसूरी से भी आई एकेडमी से भी कि जिन लोगों का सिलेक्शन यूपीएससी करके भेज रही है वो कई मामलों में बहुत बेहतर हैं लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव इथिक्स के मामले में यानी प्रशासनिक नैतिकता के मामले में वो कमजोर है कई रिपोर्ट गई और उसके बाद आपको पता है कि 2008 के आसपास से यूपीएससी में परिवर्तन शुरू हुए तेजी से जो लगभग 2014 तक चले और 2014 के बाद से अब कोई परिवर्तन नहीं हुआ लेकिन उसके बाद चीजें उन्होंने काफी चेंज कर दी और उस प्रोसेस में अंतिम चरण के रूप में उन्होंने ये पेपर इंट्रोड्यूस किया अब कोई कह सकता है कि इथिक्स पढ़ाने से या इथिक्स पढ़ने से कोई ईमानदार हो जाएगा ऐसा छोड़ना है ये बात तो सही है क्या आपको लगता है कि जिन लोगों को नैतिकता के बारे में जानकारी है क्या वो नैतिक हो जाते हैं कैसा जरूरी है जरूर तो एकदम नहीं है ऐसा हो सकता है कि नैतिकता के कंसेप्ट को समझने वाला व्यक्ति बेहद नैतिक हो ये तो संभव है और हमारे पेरेंट्स या फोर पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स में से कई लोग होंगे जिनको नैतिकता की किताब नहीं पढ़ी जिन लोगों ने किंतु उनका आचरण बहुत नैतिक है ये बात तो सही है नैतिकता के अध्ययन से व्यक्ति के नैतिक होने का कोई अनिवार्य संबंध नहीं है हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है दोनों संभावनाएं साथ साथ कायम रहती हैं या संभव रहती हैं फिर भी यूपीएससी ने इसको पाठ्यक्रम में शामिल किया इसकी एक खास वजह है वजह यह है कि कभी कभी हम गलत इसलिए होते हैं कि हमें गलत होने का शौक है हमारी आदत है लालच है हमारा और कभी कभी हम गलत इसलिए होते हैं क्योंकि हमें यह पता ही नहीं था कि हम गलत हैं इग्नोरेंस की वजह से अज्ञानता की वजह से गलत होना भी गलत होने की एक बड़ी वजह हो सकती है जैसे हम सब जानते हैं कि हमें कई मामलों में कानूनों का ज्ञान नहीं होता है और जाने अनजाने हम बहुत सारे कानूनों का उल्लंघन करते ही हमसे हो ही जाता है और ऐसा भी होता होगा या ऐसा किसी के साथ हुआ होगा आपके साथ नहीं तो आपके किसी परिसर के साथ हुआ होगा कि उसे पुलिस ने या किसी सरकारी विभाग के निरीक्षक ने एक नोटिस जारी किया और जिस कृत्य के लिए नोटिस जारी किया उस बेचारे व्यक्ति को यह पता ही नहीं था कि वो कृत्य कानून की दृष्टि से अपराध है या गलत कृत्य है ऐसा खूब होता है तो यूपीएससी का कंसेप्ट है इस मामले में कि कोई व्यक्ति सिविल सेवक बन रहा है तो ट्रेनिंग में हम क्या सिखाएंगे बात की बात है ट्रेनिंग से पहले कम से कम उसको एडमिनिस्ट्रेटिव इथिक्स के बेसिक्स पता होने चाहिए वो हम नहीं सिखाएंगे उसको हम टेस्ट करेंगे और इससे कम से कम एक बात स्पष्ट हो जाएगी कि आप अगले पचास साठ दिन में जो ही पढ़ने वाले हैं पचपन दिन में जो पढ़ने वाले हैं कम से कम आपको नैतिकता को लेकर जितनी धारणाएं हैं सब पता लग जाएंगे कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा और उसके बाद आप जीवन में ये नहीं कह सकते कि आपने कोई अनैतिक कार्य इसलिए किया था क्योंकि आप जानते नहीं थे कि यह नैतिक होता है और इसका मतलब ओनस आपके ऊपर रहेगा जिम्मेदारी आपकी अपनी हो जाएगी और इससे कम से कम एक पक्ष कम हो गया एक तो वो अनैतिक व्यक्ति हैं जो सब जानने के बावजूद अनैतिक हैं उन्हें ठीक करने के बाकी उपाय हैं सरकार के पास लेकिन एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो अनैतिक होना चाहता नहीं किंतु उसे पता ही नहीं कि नैतिकता क्या है अनैतिकता क्या है किसी खास संदर्भ में उससे क्या नैतिक अपेक्षाएं हैं क्या नहीं है वो जानता ही नहीं तो कम से कम इग्नोरेंस की वजह से अज्ञान की वजह से कोई अनैतिक आचरण सिविल सेवाओं में ना करे और ये ध्यान रखना है कि हम एक विकासशील देश है विकासशील देश में किसी ब्यूरोक्रेटिक अथॉरिटी के पास इतनी पावर होती है यदि वो व्यक्ति उसका सदुपयोग करेगा तो शायद कई हजार कई लाख व्यक्तियों को मुख्य धारा में ले आएगा और यदि वो खुद अनैतिक है और उसने उस शक्ति का मिस किया या अनुपयोग किया दुरुपयोग या अनुपयोग किया तो हो सकता है कि हजारों लाखों व्यक्तियों की जिंदगी बेहतर होने का जो रास्ता था वो रास्ता विफल हो जाए वो संभावना खत्म हो जाए इसलिए बहुत बुद्धिमान व्यक्ति आई इस बने इससे ज्यादा जरूरी है कि बहुत नैतिक व्यक्ति आईएस बने नैतिकता और बुद्धिमानी में थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज बुद्धिमानी में कर सकते हैं क्योंकि बहुत बुद्धिमान किंतु दिमाग और दिल का गंदा आदमी बहुत करप्ट हो जाएगा वो अपनी सारी बुद्धि करप्शन के तरीके खोजने में लगा देगा और प्रशासन को शासन को समाज को खा जाएगा इतना बुद्धिमान व्यक्ति नहीं चाहिए जिसकी सारी बुद्धि केवल अपने हित में लगी हो बुद्धि थोड़ी सी कम भी हो कॉमन सेंस हो ठीक से लेकिन व्यक्ति की निष्ठाएं ठीक हों नैतिकताएं ठीक हों बहुत जल्दी किसी लालच में ना आ जाता हो किसी भय में ना आता हो वो व्यक्ति हमेशा बेहतरीन प्रशासक साबित होगा किसी एक आध फील्ड में हो सकता है कि वो काम करने में असमर्थ हो लेकिन जनरली क्योंकि हमारे प्रशासन के अप्रोच जर्नलिस्ट अप्रोच है आमतौर पर जनरली वो किसी भी विभाग में बेहतरीन काम करके दिखा देगा